इन द लास्ट वीडियो हमने एवरेज प्रॉफिट मेथड सीखा था एंड व्हाट वाज द एवरेज प्रॉफिट मेथड। फर्स्ट हम क्या करते थे, एवरेज प्रॉफिट को निकालते थे एंड व्हाट इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द एवरेज प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट्स डिवाइड बाय द टोटल ईयर्स। एंड देन हम क्या करते थे, अपने एवरेज प्रॉफिट को ईयर्स ऑफ परचेज के साथ मल्टीप्लाई करते थे एंड द रिजल्ट इज कि हमें क्या मिल जाती थी, अपनी गुडविल मिल जाती थी। नाउ इन दिस वीडियो वी विल लर्न कि जो ये टोटल प्रॉफिट्स हैं, कई बार इन प्रॉफिट्स में क्या होती है, एडजस्टमेंट्स होती है एंड नाउ वी विल लर्न दैट एडजस्टमेंट। एक्चुअली होता क्या है कि जब हम गुडविल को कैलकुलेट करते हैं तो हम ये अज्यूम करते हैं कि जो बायर है जो गुडविल को परचेज कर रहा है, या फिर जब हमें गुडविल को वैल्यूएशन करनी होती है एट द टाइम ऑफ एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, तो हम ये अज्यूम करते हैं कि ऑन एन एवरेज हम इतना प्रॉफिट कमाते हैं एंड आने वाले सालों में ये जो प्रॉफिट है इतने सालों तक हम मेंटेन कर पाएंगे, दैट इज ईयर ऑफ परचेज। तो जब ये प्रॉफिट हमने लास्ट ईयर्स जिसका एवरेज निकाला है, कई बार उन प्रॉफिट्स में कुछ ऐसी एडजस्टमेंट्स हो चुकी होती है जिसका फ्यूचर के साथ कोई लिंक नहीं होता, या कुछ एडजस्टमेंट्स हमने छोड़ दी होती है जिसका फ्यूचर में लिंक होता है। तो यहाँ पे जब हम बात करते हैं तो वी विल कंसीडर द एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट, एडजस्टेबल हम एडजस्टमेंट्स करेंगे एंड व्हाट आर द एडजस्टमेंट्स। सपोज पहली एडजस्टमेंट लेते हैं, दैट इज एबनॉर्मल लॉस। एबनॉर्मल लॉस का मतलब क्या है, जो नॉर्मली नहीं हुआ किसी टाइम पे हुआ, जैसे लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट, आग लग गई, चोरी हो गई, तो ये कभी कभी होते हैं। तो जो ये कभी कभी लॉसेस होते हैं तो हम क्या करते हैं, इनको फ्यूचर में अज्यूम नहीं करते एंड इट कैन नॉट अफेक्ट आर गुडविल। तो हम इन प्रॉफिट या लॉसेस को फॉर जस्ट कैलकुलेशन ऑफ द गुडविल हम इनको क्या करते हैं, एडजस्टमेंट्स को वापस से करते हैं। लॉस उस टाइम पे अगर इंक्लूडिंग एबनॉर्मल लॉस लिखा हुआ है, सपोज आपको दिया हुआ है प्रॉफिट 2018 का प्रॉफिट आपको दिया है 20,000 और लिखा हुआ है इंक्लूडिंग एबनॉर्मल लॉस ऑफ रुपीज 5,000। तो इसका मतलब इस प्रॉफिट के अंदर जो 2018 का है इसके अंदर इस लॉस को कंसीडर कर चुके हैं, यानी एक्चुअल अमाउंट ऑफ प्रॉफिट, यानी ये जो 20,000 आया है, ये जो उस टाइम पे प्रॉफिट होगा उसमें ऑलरेडी 5,000 आप माइनस कर चुके हो, तो उस ईयर का प्रॉफिट क्या हुआ, 25,000। तो दैट मीन्स एक चीज़ कहीं पे नोट डाउन कर लो कि जब भी आपको एबनॉर्मल लॉस इंक्लूडिंग दिया होगा, आफ्टर दिया होगा, तो इसका मतलब वो डिडक्ट हो चुका है। और अगर वो डिडक्ट, अगर अच्छा इसकी जगह वर्ड एक्सक्लूडिंग लिखा होता तो एक्सक्लूडिंग का मतलब अभी तक उसे माइनस नहीं किया, तो माइनस नहीं किया और फ्यूचर में भी नहीं होना माइनस, तो उस सिचुएशन में हम एक्सक्लूडिंग वाले एबनॉर्मल लॉस को नहीं लेंगे। अगर इंक्लूडिंग एबनॉर्मल लॉस या आफ्टर एबनॉर्मल लॉस दिया हुआ है, देन आई विल जस्ट एड बैक दैट एबनॉर्मल लॉस, मैं उस एबनॉर्मल लॉस को क्या कर दूंगी, एड बैक कर दूंगी। सेम ऐसे कोई वर्ड एबनॉर्मल गेन, ये एग्जैक्ट ऐसे ही वर्ड लिखे आएंगे, एबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल गेन, ये हमें एग्जैक्टली क्या आते हैं। अदरवाइज अगर एबनॉर्मल गेन की आपको एग्जाम्पल चाहिए, कभी कभी जो फ़ायदा हुआ, अब मेरा काम है कपड़े बेचने का, सपोज अगर मेरा काम कपड़े बेचने का है और मैंने अपनी कोई मशीन बेची जहाँ पे मैं सिलाई करती हूँ, तो वो सिलाई की मशीन बेचने पे मुझे प्रॉफिट हो गया, तो वो हमेशा थोड़ी ना मैं अपनी सिलाई की मशीन ला के बेचनी है, वो तो मेरी पुरानी होगी या किसी वजह से मुझे बेचनी पड़ेगी और मुझे फ़ायदा हो गया। तो गेन या फिर हम बात करते हैं प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट, उसे हम क्या कहते हैं कि हमें क्या हो रहा है, एबनॉर्मल गेन हो रहा है। तो ये एबनॉर्मल गेन पहले प्रॉफिट में क्या हुआ होगा, जब हमने प्लस वन में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया तो हमने नेट प्रॉफिट जो हमें दिया होता है हम उसमें ऐड ऑन करते होते थे, मतलब बाय वाली साइड पे प्रॉफिट डालते होते थे, यानी ये जो एबनॉर्मल गेन है, फ़ायदा है, ये हमारे प्रॉफिट में एडेड है। अगर आपको लिखा गया 2019 का प्रॉफिट दिया और सपोज करो 10,000 इंक्लूडिंग एबनॉर्मल गेन, या फिर इंक्लूडिंग अ गेन ऑन सेल ऑफ एसेट, एबनॉर्मल सॉरी गेन, गेन कितना दिया हुआ है आपको 3,000, तो आप क्या करोगे, इस 10,000 में से 3,000 को माइनस कर दोगे, क्लियर, एंड 7,000 विल बी योर प्रॉफिट।
और आज हम ऐसी एडजस्टमेंट्स तुम्हें बताएंगे किसको क्या करते हैं, सो दैट यू आर एबल टू अंडरस्टैंड। पहली एडजस्टमेंट क्या है? एबनॉर्मल लॉस। एबनॉर्मल लॉस पहले माइनस हुआ होगा, तो एडजस्टमेंट करते हुए मैंने उसे क्या कर दिया? ऐड बैक कर दिया। सेम वे आपको लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट भी दिया हो सकता है, तो आपने उसको भी क्या कर दिया? ऐड बैक कर दिया। अगर मुझे एबनॉर्मल गेन दिया हुआ है या फिर प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट दिया हुआ है, क्योंकि ये पहले ऐड हुए होंगे प्रॉफिट में, बट क्योंकि फ्यूचर में नहीं होने हैं, तो मुझे, क्योंकि गुडविल मुझको फ्यूचर के लिए देखनी है कि मुझे फ्यूचर में उस नेम, उस रेपुटेशन की वजह से प्रॉफिट होगा कि नहीं होगा, तो मुझे उसे ये देखना है। और ये नॉर्मल गेन, ये लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट की वजह से मेरा नेम एंड फेम नहीं बने, तो ये प्रॉफिट इज़ नॉट अ रीज़न। इसकी वजह से जो प्रॉफिट हुआ है, दैट इज़ नॉट अ रिजल्ट ऑफ माई गुडविल, तो इस वजह से मुझे इसे क्या करना है? माइनस करना है। एक तरह से आप फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट्स को कैलकुलेट कर रहे हो कि फ्यूचर में वो प्रॉफिट्स आपको होंगे कि नहीं होंगे। नाउ नेक्स्ट, अगर आपको पार्टनर्स की रेम्यूनरेशन या पार्टनर की सैलरी दी है, फ्यूचर में भी तो वो पार्टनर्स रहेंगे ना आपके बिजनेस में, एडमिशन होगी, रिटायरमेंट होगी, कोई ना कोई तो पार्टनर रहेगा, और उसकी रेम्यूनरेशन तो आपको पे करनी ही करनी है, इन फ्यूचर ऑल्सो भी आपको पे करनी है, तो इसलिए अगर वो माइनस नहीं हुई हुई है, तो आप उसे क्या करोगे? माइनस करोगे। अगर पार्टनर की रेम्यूनरेशन दी हुई है, तो आपने उसे क्या करना है? इफ़ इट इज़ नॉट डिडक्टेड, अगर आफ्टर पार्टनर्स रेम्यूनरेशन दिया हुआ है, तो कुछ नहीं करना, लेकिन अगर लिखा हुआ है एक्सक्लूडिंग, यानी कि प्रॉफिट में लिखे एक्सक्लूडिंग पार्टनर्स रेम्यूनरेशन या बिफोर कंसीडरिंग द पार्टनर्स रेम्यूनरेशन, बिफोर का मतलब अभी तक कंसीडर नहीं किया है, इफ़ इट इज़ नॉट डिडक्टेड, तो आपको उसको क्या करना है? माइनस करना है। डन। इनकम फ्रॉम नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, ये क्या होता है? तो बेसिकली मेरा काम क्या है? मेरा काम है ट्यूशन पढ़ाने का। मैंने क्या किया? रिलायंस के शेयर्स खरीद लिए। अब मैंने जब रिलायंस के शेयर्स खरीदे, तो मुझे उस पर ना डिविडेंड मिल गया, लेकिन अब वो जो डिविडेंड मिला है, वो मेरी इनकम है, ठीक है, वो मेरे प्रॉफिट्स में भी है, क्योंकि बिजनेस के फंड से इन्वेस्ट किया गया है, तो वो मेरे एक तरह से प्रॉफिट में मैंने ऐड कर दी। तो अब मुझे एक चीज़ बताओ, क्या वो जो डिविडेंड रिलायंस कंपनी ने मुझे दिया है, दैट इज़ ड्यू टू माई रेपुटेशन? नो, दैट इज़ ड्यू टू इन्वेस्टमेंट, एंड दैट इन्वेस्टमेंट इज डज नॉट बिलोंग टू माई बिजनेस। तो अगर मैंने डिविडेंड रिसीव किया या कोई इंटरेस्ट रिसीव किया, दैट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ माई लकी बिजनेस। तो अगर रिसीव किया हुआ है, आपने प्लस किया होगा, अगर लिखा हो ना इंक्लूडिंग एक्सक्लूडिंग, तो उसका मतलब समझो, इंक्लूडिंग मतलब उसके अंदर है वो पॉइंट कंसीडर हो चुका है, प्लस हो चुका है या माइनस हो चुका है। एक्सक्लूडिंग का मतलब अभी कुछ नहीं किया, ये पॉइंट है, बट आपने प्लस या माइनस कुछ भी नहीं किया। तो अगर इंक्लूडिंग इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड है, तो आप उसे क्या करोगे? माइनस कर दोगे। और कोई भी फ्यूचर एक्सपेंस, जैसे इंश्योरेंस है, इंश्योरेंस प्रीमियम, ये तो फ्यूचर में भी पे होगा, नॉर्मल एक्सपेंस है, तो ये क्योंकि फ्यूचर में भी पे होगा, तो फ्यूचर के प्रॉफिट्स को भी इफेक्ट करेगा, तो गुडविल को कैलकुलेट करते हुए हम इसे क्या करेंगे? माइनस करेंगे। देन उसके अलावा क्या हो सकते हैं? जैसे लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट, तो ये एबनॉर्मल लॉस है, माइनस हुए होंगे, तो हम वापस इसको क्या कर देंगे? ऐड बैक कर देंगे। अच्छा, एक और, अगर एनुअल चार्ज ऑफ मैनेजमेंट कॉस्ट है, मतलब मैनेजमेंट की कॉस्ट तो बाद में भी आपको पे करनी ही पड़ेगी, एनुअल चार्ज ऑफ मैनेजमेंट, क्लियर, आपको उनको पे करना है, हर बार पे करना है, फ्यूचर में भी पे करोगे, तो ये माइनस होगा, क्लियर, जितने भी साल है हर साल से माइनस होगा। नाउ नेक्स्ट, विच इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, जैसे आपके सामने आ गया, ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक। अब प्लस वन में आपने ट्रेडिंग अकाउंट बनाना सीखे, वैसे ये सिर्फ समझाने के लिए करना नहीं है, जस्ट टू क्लियर योर पॉइंट। जैसे सपोज यहाँ पे आपका जो क्रेडिट साइड का टोटल है ना 25,000 है, इधर जो आपका डेबिट साइड का टोटल है, इसमें ना वैसे होनी चाहिए थी वैल्यू 10,000,
लेकिन आपका जो ओपनिंग स्टॉक है वो 2000 से ओवर वैल्यू कर दिया, इसलिए 12000 का हो गया। मतलब अगर मैं 10000 शो करती तो मेरा कितना प्रॉफिट बचता? 15000। लेकिन मैंने स्टॉक को ओवर वैल्यू कर दिया तो मेरा कितना बचा प्रॉफिट? 13000। तो मतलब ओपनिंग स्टॉक को ओवर वैल्यू करने से मेरे प्रॉफिट की अमाउंट कम हो गई, बट एक्चुअल में तो ज़्यादा थी। तो एक्चुअल अमाउंट को लाने के लिए मैंने उसे वापस से क्या कर दिया? एड बैक कर दिया। सेम ऐसे अगर ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक है तो वो क्या होगा? तुम्हारा पिछले साल का क्लोजिंग स्टॉक होगा। एक साल का ओपनिंग स्टॉक पिछले साल का क्या होता है? क्लोजिंग स्टॉक होता है। जो इस साल का ओपनिंग है वो पिछले साल का क्या है? क्लोजिंग है। तो यहाँ पे ये ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक भी बन गया। तो ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक यानी यहाँ पे आने से, जैसे यहाँ पे सपोज मैंने वैल्यू ज़्यादा कर दी, 27 कर दिया, इधर 10 है, तो प्रॉफिट की अमाउंट क्या करेगी? बढ़ेगी। बट एक्चुअल में क्या है? कम है। तो हम इसको क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। तो ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है तो हम उसे क्या करेंगे? माइनस करेंगे। एंड इसका ऑपोजिट भी कर लो, ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक अगर प्लस है तो अंडर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक क्या होगा? माइनस होगा। क्यों? यहाँ पे 10000 शो करना था, आपने 8000 शो कर दिया, तो 25000 का पहले प्रॉफिट था, माइनस किया 8000, 17000 शो हुआ, लेकिन एक्चुअल प्रॉफिट कितना था? 15000। तो इसने प्रॉफिट को ज़्यादा शो किया, तो इस वजह से हमने इसको एक्चुअल प्रॉफिट लाने के लिए माइनस कर दिया। एंड अंडर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक इज ऑल्सो नोन एज अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। ये प्लीज बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कई बार क्या होता है कि आपको 2-3 ईयर्स दिए होते हैं और इसमें एक में लिखा होता है कि देर इज अ अंडर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक, बच्चा उसमें कर लेते हैं, ये नहीं सोचता कि जिस साल का ओपनिंग स्टॉक है तो वो पिछले साल का क्लोजिंग स्टॉक भी तो होगा, और अगर क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है तो वो नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग स्टॉक भी तो होगा। तो प्लीज कंसिडर दिस पॉइंट, नोट डाउन दिस पॉइंट कि एक साल का ओपनिंग स्टॉक जो होता है वही सेम पिछले साल का क्या होता है? क्लोजिंग स्टॉक होता है। दैट मीन्स क्लोजिंग स्टॉक इज द ओपनिंग स्टॉक ऑफ द नेक्स्ट ईयर। डन। तो जब हमने बात की थी अंडर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक, तो हमने ऊपर अभी क्या बोला था कि अंडर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक आप माइनस करते हो, तो अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक आप क्या करोगे? प्लस करोगे। देन नोट ऑल द पॉइंट्स समवेयर बिकॉज इट विल क्रिएट योर नोट्स, एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो देन थम्स अप।